वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो दोस्तों देख सकते हो गाइस, ये है रियलमी C33 और गाइस इसमें एंड्रॉइड 13 अपडेट आने के बाद गाइस इसका जो यूआई है गाइस बहुत लोग बोल रहे कि भाई इसका जो यूआई है गाइस मुझे पसंद नहीं आता है। बहुत लोग बोलते हैं बेकार है यो वो मतलब बहुत कुछ क्वेश्चन लोग मुझे करते हैं और बोलते हैं ये जो एंड्रॉइड 13 का जो सेटिंग्स वगैरह है ना, मतलब थीम्स वगैरह सब कुछ मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो गाइस आज मैं आप लोगों को इसके लिए एक बढ़िया सा थीम्स मैं आप लोगों को ढूंढ के लेके आया। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ से ढेर सारा थीम्स आप लोग ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों ये थीम्स अगर आपको पसंद है तो अलग भी लगा सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो ये मैं इस फोन में एक थीम लगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना ग्रीन ग्रीन यहाँ पे हो चुका है। जैसे कि देख सकते हो ये भी एक थीम है। और गाइस अगर आपको पसंद नहीं आता है तो गाइस देख सकते हो ये नेक्स्ट थीम जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है। और गाइस ये भी अगर आपको पसंद नहीं आता है ना, तो गाइस और भी एक नेक्स्ट थीम्स देख लो गाइस, ये भी कितना बढ़िया है। और गाइस देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा थीम्स, यहाँ पे थीम्स का ढेर आपको इसमें आपको थीम्स ढेर सारा थीम्स आपको दिखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों ऐसे जितना भी थीम्स है सारे के सारे गाइस आप लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी पैसा वगैरह पे नहीं करना होगा, यहाँ पे आप लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों इस तरह का थीम अपना फोन में आप लोग कैसे लेके आ सकते हो, किस प्रोसेस से आप लोग इस फोन में थीम्स का जो वंडर है आप लोग किस तरह से लेके आ सकते हो गाइस, वही इस वीडियो के अंदर में गाइस आप लोगों को बताऊंगा। सो दोस्तों आप लोग वीडियो शुरू से एंड तक देखना और गाइस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों ज्यादा बकवास ना करके चलिए दोस्तों आज का वीडियो को शुरू किया जाए। तो गाइस यहाँ पे मैं मोबाइल के स्क्रीन आ गया और गाइस यहाँ पे मैं थीम्स लेकर ही आ चुका हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को शुरू से दिखाता हूँ गाइस ये सेटिंग आप लोग कैसे कर सकते हो। तो गाइस आपका जो फोन का नॉर्मल थीम है कुछ इस प्रकार का होगा और गाइस यहाँ पे वॉलपेपर कुछ चेंज वगैरह भी हो सकते हो। सो दोस्तों आपका जो थीम है कुछ इस प्रकार का होगा। सो दोस्तों अभी आपको सिंपल सा क्या करना है गाइस, अभी आपको एक फंडा आपको यहाँ पे रास यहाँ पे निकल लेना। सो दोस्तों आपको सिंपल सा क्या करना है गाइस, आपको सिंपल तो एक एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर लेने होगा क्योंकि इस फोन में तो आपको पहले से थीम्स दिखने को नहीं मिलता। सो दोस्तों आपको सिंपल सा स्टोर पे जाना है गाइस, यहाँ पे आपको सर्च करना है XOS 11CR जोस लांचर। आप लोग यहाँ पे गाइस जैसे यहाँ पे सर्च करोगे ना, तो गाइस यहाँ पे जोस लांचर जो गाइस देख सकते हो XOS लांचर 2023 कूल स्टाइल का जो एक वेबसाइट है गाइस, सॉरी यहाँ पे एक एप्लीकेशन गाइस यहाँ पे आपका सामने आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, आपको सिंपल से यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। देख सकते हो 21MB का ऐप है और गाइस देख सकते हो 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है गाइस। ये जो एप्लीकेशन है गाइस आपको जल्दी से आपका फोन में इंस्टॉल कर लेने है गाइस, उसके बाद में प्रोसेस आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस ये फाइनली डाउनलोड हो चुका है। सो दोस्तों इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और गाइस यहाँ से इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है गाइस देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आ चुका है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको ये सिंपल से यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ओपन कर लेना है गाइस। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट नाम करके एक ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है गाइस, यहाँ पे स्टार्ट पे यहाँ पे कर देना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो गाइस इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। गाइस उसके बाद यहाँ पे क्या करना है गाइस, यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट ऐसे करके आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हो और ऊपर गाइस एक स्किप का भी ऑप्शन है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल सा भी एक्सेप्ट कर देना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जोस लांचर इज सेटिंग इन योर डेस्कटॉप, मतलब आपका डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेटिंग हो चुका है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको डोंट एलो यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको एलो पे क्लिक कर देना सिंपल सा, यहाँ पे जैसे आप एलो पे क्लिक करोगे उसके बाद गाइस यहाँ पे फिर से यहाँ पे परमिशन मांगेगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे एलो कर देना है। उसके बाद गाइस ऐसे आप ऐसे ऐसे आपको कर लेना है। सो दोस्तों यहाँ पे ऐसा करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको होम बटन जो गाइस आपको सिंपल से क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद ये एकदम खत्म हो जाएगा। सो दोस्तों अभी आपको सिंपल से काम कर लेना है। सो दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स एप्लीकेशन यहाँ पे चलाना है, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको होम करके सर्च करना है। होम आप लोग यहाँ पे जैसे सर्च करूंगा तो गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा डिफॉल्ट होम ऐप करके। सो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल से यहाँ पे डिफॉल्ट होम ऐप यहाँ पे आपको सिंपल से क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपका फोन में जितना भी लॉन्चर वगैरह है ना यहाँ पे सारे का सारे गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ पे आपको जोस लॉन्चर यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अभी से और अब ये क्लोज नहीं होगा, जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे हम लोग पूरा हटा दे चुका। सो दोस्तों ये तो अभी हो गया आपका नॉर्मल आपका जो थीम से गाइस ये हो गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपका थीम जो है गाइस अभी कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अभी आपको ये तो थीम आपको पसंद नहीं आएगा, मुझे पहले से बताया। सो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक्स थीम नाम करके एक ऑप्शन यहाँ पे है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस एक्स थीम नाम करके एक ऑप्शन यहाँ पे पहले यहाँ पे दिया गया है इस ऐप का अंदर। सो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल से क्लिक करके यहाँ पे चला जाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारा थीम्स यहाँ पे दिखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको लाखों ढेरों यहाँ पे थीम्स दिखने को मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको लाखों ढेरों थीम्स यहाँ पे दिखने को मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ पे ऐसे में ऐसे आप लोग कोई भी एक यहाँ पे थीम्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को एक थीम्स यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ, बढ़िया से एक थीम्स अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सो दोस्तों ये जो पेड़ वाला थीम्स है देख सकते हो यहाँ पे पेड़ भी यहाँ पे थीम्स है गाइस, यहाँ पे डो यू अंडर ये जो थीम्स है गाइस यहाँ पे डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक डाउनलोड का ऑप्शन है,
जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया और देख सकते हो कितना फास्टली यहाँ पे डाउनलोड हो भी रहा है। सो दोस्तों अभी आपको सिंपल से अप्लाई यहाँ पे कर देना है क्लिक। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक कर दोगे तो गाइस यहाँ पे थोड़ा लोडिंग वगैरह होगा और गाइस अभी आप लोग देखो गाइस थीम्स देखो अभी कितना अमेजिंग लग रहा है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस, देख सकते हो कितना अमेजिंग यहाँ पे थीम लग रहा है। और गाइस मैं अभी आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ गाइस, ये भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो देखो गाइस यहाँ पे लाखों ढेरों यहाँ पे थीम्स है, आप लोग यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे, इतना यहाँ पे थीम्स है कि मैं ये अप्लाई करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो गेट फ्री नाम करके एक ऑप्शन है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो परचेस करने के लिए बोल रहे हैं। और गाइस अगर आपको परचेस नहीं करना है तो गाइस एड देखकर भी आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों देख सकते हो मतलब ये सभी के अंदर परचेस नहीं लिखा रहता, देख सकते हो डाउनलोड, जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा तो गाइस ये जो थीम से गाइस मेरे फोन में यहाँ पे फाइनली यहाँ पे लग चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना अमेजिंग तरीके से यहाँ पे फोन में थीम्स वगैरह लग चुका है। और गाइस ये है रियलमी C33। और गाइस बहुत लोग बोलते हैं रियलमी C33 फोन में थीम्स जो गाइस सपोर्ट ही नहीं करते एक्चुअली, हालांकि ये है कि ओरिजिनल थीम स्टोर जो गाइस वो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप लोग थर्ड पार्टी वगैरह से कैसे भी लेके वगैरह लेने का बात ना, आप लोग थीम्स वगैरह का इस फोन में भी सपोर्ट करवा सकते हो। सो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी रियलमी C33 फोन में एंड्रॉइड 13 अपडेट आने के बाद गाइस इसमें भी आप लोग थीम्स को चढ़ा सकते हो गाइस, थीम्स को चेंज कर सकते हो। और गाइस ये जो लॉन्चर है इसमें सिर्फ आप लोग थीम चेंज ही नहीं, इसमें गाइस और भी एक काम कर पाओगे, टू फिंगर से गाइस एप्स को भी हाइड कर पाओगे। जैसे आप टू फिंगर से ऐसा ऊपर की तरफ ऐसा स्वाइप करोगे तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे हाइड एप्स का नाम पे एक ऑप्शन आ चुका है। सो दोस्तों प्लस आइकन पे यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कोई भी एप्स वगैरह यहाँ पे हाइड कर पाओगे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एप्स जो गाइस अमेजन हाइड हो चुका है, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से अमेजन गायब हो चुका है, डायरेक्ट यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है। सो दोस्तों इसमें आप लोग एप्स को भी हाइड कर पाओगे, ये भी एक बढ़िया फीचर है इस लॉन्चर पे। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप लोग भी फॉलो करोगे तो गाइस आपका थीम्स सिंपल से चेंज हो जाएगा। और गाइस अगर आपको डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट थीम्स पे लेके आना है ना तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करो या मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, वहाँ पे मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि आप लोग डायरेक्ट डिफॉल्ट थीम पे कैसे लेके आ सकते हो। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए गाइस बहुत ही हेल्पफुल हुआ। और गाइस अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए ना तो गाइस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM कर सकते हो। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ, अगर हेल्पफुल हुआ तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और गाइस इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। सो दोस्तों आज के लिए इतनी, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।